डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 51, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल आल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर डिफरेंट। इन केस ट्रायंगल आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। बट आपके सिलेबस में अभी फॉर दिस ईयर एक्यूट एंगल और राइट एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पर नहीं आएंगे। जनरली यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्कस करना जरूरी है कि व्हाट इज द सेक्टर, व्हाट इज द सेगमेंट, व्हाट इज द आर्क, और ये डेफिनेशन यदि देखेंगे तो व्हाट इज द सेगमेंट। द सेगमेंट इज अ रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड इट इज द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। बट आर्क की बात करेंगे तो आर्क होती क्या है ये आपको वर्कशीट में फिगर में बताई गई है कि हम आर्क किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्कशीट में देखा गया है कि आपको एक सर्कल बनाया गया, सर्कल में आपको एक फिगर बनाई गई जिसको आपको एक सेक्टर, एक सेगमेंट और एक आर्क रिप्रेजेंट की गई है। फर्स्ट फिगर है जिसमें आपको कहा गया ये सेक्टर है ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में सेगमेंट को सेट किया गया, इट ए पार्ट ऑफ सर्कल, एंड एक आर्क को रिप्रेजेंट किया गया है वो रेड कलर में। सेकेंड सर्कल में रिप्रेजेंट किया है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मीन्स स्मॉल पार्ट्स और मेजर सेगमेंट इज बिग पार्ट्स। देन डिस्कस करते हैं कि सेक्टर से हम सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। कि यदि आपके पास सर्कल येलो कलर में जो सर्कल दिया गया है इसमें जो दो पार्ट दिए गए हैं, ये पार्ट्स कभी कभी आप देखेंगे कि कभी आप बिस्किट को ब्रेक कर रहे हैं, बिस्किट को तोड़ रहे हैं, तो उसके दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक स्मॉल पार्ट और एक बिग पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह के जो पार्ट ऑफ सर्कल हमें मिलते हैं वो सेगमेंट कहलाते हैं। देन यदि आप फिगर्स में देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने थ्री फिगर्स बताई हैं। नंबर वन सर्कल में ब्लैक पार्ट्स वो सेक्टर हैं। सेकेंड में जो ऐसा पार्ट दिखाया गया ट्रायंगल को शेड किया गया, और थर्ड में केवल सेगमेंट को शेड करके दिखाया गया। उसका एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ इन सब को समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो फोर फर्स्ट एग्जांपल कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल इफ रेडियाई एंड द कॉर्ड ऑफ सर्कल आर 4 सेंटीमीटर मेक एंगल्स। ट्रायंगल ए ओ बी इन ए सर्कल फिगर बनाई गई, उसमें कहा गया कि आपकी रेडियस ओ ए ओ बी एंड ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट आपको फाइंड करना है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में कहा गया कि इफ़ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल्स 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल एट द सेंटर फाइंड द एरिया माइनर सेगमेंट ए पी बी एंड मेजर सेगमेंट ए पी बी। तो यहाँ आपको रेडियस कंसिडर की गई 10 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल 90 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसको हाफ बेस इंटू हाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हो और देन हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने किया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से। इसमें आपका माइनर सेक्टर सेगमेंट का एरिया आ गया है 28.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी फाइंड करने के लिए कहा है, तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आपको कहा गया है कि इफ द लेंथ ऑफ कोर इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5.5√2 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यहाँ आप चेक करना पड़ेगा, आपको एंगल्स नहीं गिवन है, एंगल्स नहीं गिवन तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एंगल जो सेंटर पर है वो कितना डिग्री है, किस तरह का होगा। तो रिलेशन बाय द साइड्स आप वेरीफाई करें कि आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने देखा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है दोनों वो 5√2 है। तो यू चेक फर्स्ट
कि दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल और नॉट। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप चेक करें और यहाँ से आपको वेरीफाई करेंगे पहले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर डायरेक्टली आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर ट्रायंगल करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट उसकी बात करते हैं। उसमें क्या है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सपोर्टेड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक आपको कहा है कि एक आपके पास जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें कहा है कि आपके पास जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 45 डिग्री है। इसकी एक फिगर बनाए तो कुछ इस टाइप से फिगर बनेगी, ये ए ये बी ये ओ, और यहाँ से आपको कहा गया है कि ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है। अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। यहाँ आपके पास सिंपल आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी गिवन है, उन्हीं को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर एंड साइन थीटा। अब देखेंगे व्हाट इज आर, देखो आर आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो यहाँ इनको एक बार यूज कर दें तो 22 into r इज 5 एंगल 45 डिग्री डिवाइड बाय 7 into 360 डिग्री एंड माइनस हाफ 5 into 5 into sin 45 डिग्री। अब आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है, 45 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास ये पार्ट हमने 45 से 8 को डिवाइड किया, 360 को डिवाइड किया तो 8 आया। यहाँ पर 25 कॉमन ले लें तो 22/7 × 8 -1/2 × 1/√2 आएगा। यदि इसको हम 25 कॉमन ले लें तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आप बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास रेडियस 15 सेंटीमीटर एंगल थीटा डिग्री 60 डिग्री और आपके पास जो पाई की वैल्यू है उसमें कहा गया है कि आपको 3.14 सेंटीमीटर यूनिट यूज करना है और रूट थ्री की वैल्यू 1.73 यूज करना है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब छोटा पार्ट ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। अब यहाँ से 3.14 × 15 × 15 60 / 360 करेंगे क्योंकि हमें कहा है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, तो उसको यूज कर लिया -1/2 × 15 √3/2। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 15 × 15 कॉमन ले सकते हो और यहाँ से आपके पास रिमेनिंग बचेगा 3.14/6 और यहाँ 1.73/4। यदि 3.14 / 6 और 1.3 7.3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 225 ब्रैकेट में 0.72 - 0.32। 0.52 - 0.32 करेंगे तो 0.9 आएगा, 0.9 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/4 या फिर 20 पॉइंट आपका आ रहा है 20.15। अब 20.15 में आप देख रहे हैं फिर सेकंड है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में आपका जो एरिया आएगा तो ये आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस माइनर सेक्टर करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो 20.25 और टोटल एरिया में से आपको इसको माइनस करना है। तो यदि आप 3.14 × 15 करते हैं तो 47.1 आएगा। सेम यदि 15 को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो 706.5 आएगा। 7.706.5 माइनस 20.25 माइनस करते हो तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 686.25 सेंटीमीटर है। और लास्ट में थर्ड क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट का है उसमें कहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसकी 21 सेंटीमीटर है, एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर 60 डिग्री है और कहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर।
तो एरिया ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी पिछली वर्कशीट में भी कर चुके हो, जनरली फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रेडियस यूज करेंगे तो एस 22/7, 21 × 21 × 60/360। सिंपल करने के बाद आपके पास 11 × 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज सेक्टर। फिर क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब है एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आप करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, 320 31 है, 231 माइनस हाफ 21 × 21 √3/2। यदि √3 की वैल्यू आप यूज करेंगे 1.73 और सिंपलाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये, यहाँ आपका जो पार्ट्स है वो है 231 माइनस 441 इंटू 0.43। 0.43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 190.63, और 190.63 को यदि 231 से माइनस कर रहे हो तो ये 40.37 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस टाइप से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ऑफ द वर्कशीट ये कंप्लीट होते हैं। इस तरह से आप अपने वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।